है दोस्तों, तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल चीपेस्ट गार्डनिंग एवर में। मैं आपका गार्डनिंग दोस्त फिर से आया हूँ एक नए फ्रेश वीडियो के साथ। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू ग्रो फेनुग्रीक इन पॉट्स। आप मेथी को गमलों में कैसे उगा सकते हैं, दूंगा पूरी जानकारी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ हमारे अपने YouTube चैनल चीपेस्ट गार्डनिंग एवर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, ताकि जब भी मैं ऐसे नए नए वीडियोज आपके लिए लाऊं आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए देखते हैं फेनुग्रीक यानी कि मेथी को हम गमलों में कैसे उगा सकते हैं। मेथी उगाने के लिए आप किसी भी टाइप के सॉइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैं नॉर्मल गार्डन सॉइल का इस्तेमाल मेथी उगाने के लिए कर रहा हूँ। अगर आपके पास खाद है, ऑर्गेनिक खाद है, तो उसे सॉइल में जरूर मिक्स कीजिए, ताकि आपकी मेथी ऑर्गेनिकली और फास्ट ग्रो हो सके। अगर आपके पास कोकोपीट है तो उसे भी जरूर मिक्स कीजिए। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है या उसे आप परचेस नहीं कर सकते, तो बिना कोकोपीट के भी मेथी अच्छे से ग्रो हो जाती है। अब आपको सवाल आएगा कि आप गमला कौन सा इस्तेमाल करें, तो एक बात आपको मैं जरूर बता दूं, प्लास्टिक का हो, सीमेंट का हो या मिट्टी का हो, किसी भी छोटे मोटे गमले में आप मेथी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप 10 इंचेस का मीडियम साइज का कोई भी गमला मेथी उगाने के लिए इस्तेमाल में लाए। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, हमें गमले को अच्छी तरीके से मिट्टी से भर देना है। तो अब बारी है सीड्स की। तो आपको क्या करना है, मेथी के सीड्स को 18 से 20 घंटे पानी में भिगो के रख देना है, जिससे क्या होगा, सीड्स जल्दी जर्मिनेट होगी और मेथी भी फास्ट ग्रो होगी। तो सीड्स 18 से 20 घंटे अच्छे से भिगोने के बाद सीड्स को कुछ इस तरह आपको मिट्टी के ऊपर स्प्रेड कर देना है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मिट्टी के ऊपर सीड्स को कुछ इस तरह हमें स्प्रेड कर देना है। सीड्स स्प्रेड करने के बाद आपको कुछ इस तरह सीड्स और मिट्टी को अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है, जिससे सीड्स जल्दी जर्मिनेट होगी और फास्ट ग्रो होगी। सीड्स और सॉइल अच्छी तरीके से मिक्स हो जाने के बाद आपको उन्हें वाटरिंग कर देनी है, और हर दो दो या तीन तीन दिन के इंटरवल में आपको उन्हें वाटरिंग यानी कि पानी देते रहना है। तरह हम फेनुग्रीक यानी कि मेथी को गमले में आसानी से उगा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये टेक्निक पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे अपने YouTube चैनल चीपेस्ट गार्डनिंग एवर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, ताकि जब भी मैं ऐसे नए नए वीडियोज आपके लिए लाऊँ आपको नोटिफिकेशन मिले।